Hey guys, welcome to back with another vlog. So, कैसे हो आप लोग? होप सभी आप लोग बढ़िया होंगे. सो आज का जो व्लॉग है वो थंबनेल देख के तो पता है चल ही गया होगा, गेस कर लिया होगा कि मैं किस चीज के ऊपर व्लॉग करने वाला हूँ आज, जो मैं रिव्यू करने वाला हूँ. सो आज मैं जा रहा हूँ रिव्यू करने बजाज प्लैटिना ABS 110 का. सो इस गाड़ी में क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस है, क्या है इस बाइक में, सब कुछ आप लोग एक डिटेल्स में बताने वाला हूँ. सो मैं हूँ अभी पुरुलिया शहर में, तो जो पुरुलिया शहर से हो हाय लिख देना कमेंट्स पे और जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर देना है, ठीक है गाइस. और मैं जो शोरूम में जा रहा हूँ उसका नाम है RK बजाज. तो इस शोरूम ये कहाँ पे है, पुरुलिया में क्या है नहीं है, मैं इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना. तो बढ़ते हैं आगे, और उससे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. के अंदर और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि तीन तीन प्लैटिना ABS 110 रखी हुई है. सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये है हम लोग का कॉकटेल वाइन रेड, वो रखा है हम लोग का सैफियर ब्लू, और उधर है इबोनी ब्लैक. यही तीन कलर में ये गाड़ी का ऑप्शन आता है अगर आप कलर वाइज पकड़ो तो. यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो हमारे सामने रखी हुई है कॉकटेल वाइन रेड अपना प्लैटिना ABS 110. तो इस कलर में ये इंट्रोड्यूस हुआ था. सो अभी इसका कुछ जो मेन फीचर था जिसके ऊपर ये बाइक निकला है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं. सामने रखी है प्लैटिना का जो मैंने रेड कलर बता रहा हूँ वाइन वाला. तो यहाँ पे आप लोग को कुछ बताना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी स्किड ब्रेकिंग, मतलब ABS दिया गया है, ठीक है गाइस. यहाँ पे आपका जो मेन चीज़ इन्होंने चेंज किया है, तो ABS मिल रहा है, मतलब आपका जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही अच्छा हो गया है. जो फ्रंट का है, मतलब जो फ्रंट डिस्क है हम लोग का, ये आपको 240 mm का मिलता है, ठीक है. बट अब जो बैक का जो ड्रम है, इसका जो अब मैं ड्रम बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये जो ड्रम है ये 110 mm का है जो ड्रम हम लोग का. CBS के साथ दिया गया है, कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, की जिससे ABS भी काम अच्छा करेगा आपका, और कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी, जिससे मतलब यहाँ पे आपका जो एक्सीडेंट का जो चांसेस था वो अब घट गया है. और यहाँ पे एक प्यारा सा DRL भी दे दिया गया है, और यहाँ पे तो हेडलैम्प है ही इसका, और मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ऊपर है यार, एक लेवल अप कर दिया प्लैटिना का इन्होंने बजाज. इसका अब इंटरनली बात करते हैं, इसके जो इंटरनली जो पार्ट है उसके बारे में कुछ ज़रूरी है मेरे को बताना. तो यहाँ पे आपको मिलता है इंजन, जो इंजन टाइप है इसका वो मिलता है आपको 115.45 cc का जो DTSI नेचुरल एयर कॉइल एयर कूल्ड है, ठीक है. बोर्ड स्टॉक आपको जो मिल जाता है इसका 50x58 mm का. जो पावर जो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है, जो पावर ये प्रोड्यूस कर रही है वो है 6.33 kW एट द रेट 7000 RPM का. पावर जो प्रोड्यूस फिर से कर रही है जो 8.6 PS एट द रेट 7000 RPM का. टॉर्क जो ये गाड़ी देती है, ठीक है गाइस, टॉर्क जो दे रही है 9.81 न्यूटन मीटर एट द रेट 5000 RPM का है. और इसका जो मेन है इसका जो गियर बॉक्स, मतलब इसका गियर बॉक्स बाकी गाड़ी जैसा नहीं है, जैसे पुराने पे था, यहाँ पे अभी आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे जो इसका गियर बॉक्स है ये आपको 5 गियर बॉक्स मिलता है, मतलब 5 गियर इसमें, और ऑल डाउन शिफ्ट है, ठीक है गाइस. इसका जो फ्रेम ये लोग बोलते हैं, तो फ्रेम का जो बात है वो लोग बोलते हैं ट्यूबलर सिंगल डाउन ट्यूब, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, विथ लोअर क्रेडल फ्रेम. तो गाइस अब बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर के बारे में. तो इसमें स्पीडोमीटर में बहुत कुछ खास है जो मैं आप लोग को बताऊंगा, तो सो दिल थाम के रखिए. तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें दो चीज है जो बहुत ही मैंडेटरी है, जो पुराने मतलब पापा दादाजी के एज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, क्योंकि
इन्हें समझने में बहुत ही आसानी होगी क्योंकि यहाँ पे एनालॉग दे दिया गया स्पीडोमीटर, बाकी का जो डिटेल्स मैं बताता हूँ। बट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो फर्स्ट थिंग है कि अगर आप जब बाइक पे बैठोगे तो ये चीज़ आपको दिखेगा। तो एनालॉग दे दिया बहुत ही अच्छा, क्या है कि जो ओल्ड एज के बुजुर्ग हैं उन्हें पता नहीं चलेगा, तो इससे इन्हें पता चलेगा कि हाँ गाड़ी कितने स्पीड में चल रहा है। तो सो चलते हैं, अभी मीटर को करते हैं ऑन। तो यहाँ पे हो गया मीटर ऑन और यहाँ पे जलते ही ABS का साइन दिखा रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ABS का जो सेंसर है वो ऑन हो चुका है और यहाँ पे भी दिखाता है जब अगर आप बाइक चलाओगे, जब यहाँ पे ब्रेक मारोगे तब यहाँ पे ABS का जो इंडिकेशन यहाँ पे भी लिखा आएगा कि ABS ऑन। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि फ्यूल इंडिकेटर दे दिया गया है, टाइम है, गियर है और न्यूट्रल ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कि न्यूट्रल है अभी गाड़ी। अगर न्यूट्रल ऑफ हो, अगर गियर पे आता है तो न्यूट्रल ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे इंडिकेशन का यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे देखो कि इंडिकेशन जो मैंने लाइट अभी ऑन किया है तो इंडिकेटर का अपना, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इंडिकेटर का लाइट हो गया है ऑन। सो अभी मैं फिर इसको भी बंद करता हूँ। सो मैं अभी इसको करूँगा बंद, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो बंद हो गया। बात करते हैं कुछ और भी जो इसके फीचर्स हैं, तो यहाँ पे देखो पुराने वाले हैंडल एकदम स्विचेस जो हैं वो पुराने वाले ही हैं। लगेगा कि नहीं कि यार नई बाइक है, लेकिन जो पुराने वाले उनको बहुत ही पसंद आएगा ये। बट कुछ मतलब हम लोग के यंग एज के लड़के लोग को शायद अच्छा ना लगे, बट उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि एकदम ईजी टू यूज़ है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम लोग हाई बीम ऑन है मेरा, तो ये ऑफ हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे जो हाई बीम में ये ऑन ऑफ यहाँ से हो सकता है, यहाँ पे आप लोग दिखा रहा हूँ मैं। तो जैसे कि मैं हाई बीम ऑन कर लिया, तो यहाँ पे आप लोग को हाई या लो करने के लिए यहाँ पे आप लोग को करना पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा ये हाई और यहाँ से हो जाएगा ये लो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सामने से, तो मैं करता हूँ इसको भी ऑफ और यहाँ पे इंडिकेशन में बता दिया इंडिकेटर जलता है और आवाज़ भी आप लोग को एक बार सुना देता हूँ। तो आवाज़ भी बहुत ही अच्छा है इसका। यहाँ पे और एक चीज़ जो मैं आप लोग को बताना भूल गया था, तो यहाँ पे भी आप लोग को सेट बटन दिया गया है जिसे आप लोग ओडो नहीं मतलब जो ट्रिप है वो रिसेट कर सकते हो, बस एक ही है। और यहाँ पे अभी मेरे को लो बैटरी दिखा रही है क्योंकि बैटरी में चार्ज भी नहीं है, बट थैंक्स टू बजाज शोरूम की मेरे को इन्होंने दिया ये रिव्यू करने के लिए। अब बात करते हैं इसका बैक साइड से, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ प्यारा सा एक टेल है और इंडिकेटर तो मैंने दिखाया था, तो यहाँ पे भी बैक साइड में वही दो इंडिकेटर यहाँ पे भी दे दिए गए हैं। ठीक है, बाद से पीछे से देखो बहुत ही अच्छा लुक है इसका, मफलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है और यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट और सामने का जो फुट रेस्ट जिसमें हम लोग पैर रख सकते हैं, यहाँ पे दो आप लोग देख पा रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है और गियर बॉक्स तो है ही अपना। बात करते हैं इसका जो सीट है, इसका सीट आप लोग देख पा रहे हो, तो ये इसका जो सीट है ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सीट इन्होंने दिया है, इन्होंने अपग्रेड किया है इस सीट को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंफर्ट टेक लिखा भी हुआ है, तो कुशनिंग्स मतलब एकदम भाई साहब बहुत ही मस्त है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे टैंक पैड जैसा कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग पेट्रोल भरा सकते हो और इसका जो टैंक का जो कैपेसिटी है वो 10.5 लीटर का है जबकि बहुत ही अच्छा है और माइलेज 84-85 कंपनी क्लेम करती है। तो गाइस ये आप लोग ले सकते, बहुत ही अच्छा है। और भी एक चीज़ था जो मैं बोलना भूल गया था, तो यहाँ पे भी एक बैजिंग आप लोग को मिलता है 110 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये भी आप लोग को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। और नीचे में चेन कवर भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है जिससे कि आपका गंदा कुछ नहीं होगा चेन। और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट इंजन का भी ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे नहीं दिखाएगा, यहाँ पे कुछ वैसा लोगो नहीं है तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशन नहीं करेगा, बट साइड स्टैंड कट इंजन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे जो ऑटो सेंसर है तो यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो ऑटो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। अब बाकी का जो कंपोनेंट है इधर है, बट इसमें और एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यहाँ पे आप रिजर्व कर सकते हो जो पुराने वाले फील थे इसमें, आप लोग देख सकते हो इसमें वही फील फिर से आ गया, यहाँ पे रिजर्व आप कर सकते हो। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि यहाँ पे आप लोग को रिजर्व का एक ऑप्शन दे दिया गया है और ये जो इंजन है ये है कार्बोरेटेड, क्योंकि FI नहीं है क्योंकि इस सेगमेंट में ये कार्बोरेटेड उन्होंने दिया है। यहाँ पे लगा हुआ है O2। तो बात करते हैं अब इसके सस्पेंशन के बारे में कि जो फ्रंट और जो रियर है इसके क्या नाम है और क्या इसके फीचर्स हैं। तो यहाँ गाइस इसका जो बैटरी इन्होंने दिया है मतलब इस सेगमेंट का जो CC का ये जो बाइक है इसमें जो
जो बैटरी दिया गया वो है 12 वोल्ट 3 एम्पियर VRLA का। ऐसे तो 12 वोल्ट 4 एम्पियर के देते हैं नॉर्मल बाइक्स में, बट इस सेगमेंट में आपको मिलता है 12 वोल्ट 3 एम्पियर VRLA का बैटरी। अब बात करते हैं प्लैटिना ABS 110 का जो टायर साइज है, जो टायर आपको मिलता है यहाँ पे। टायर पे अगर मैं फोकस करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रिम्स में गोल्डन कलर का फिनिश दिया गया है, कुछ कुछ स्ट्रिप्स दिए गए हैं यहाँ पे गोल्डन फिनिश का, कुछ इन्होंने तड़का मारा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो टायर साइज है वो 80x100 का मिलता है, ठीक है, और वो मिलता है दोनों ही ट्यूबलेस। बट इसका जो मतलब पंप का, जो हम लोग का पंप का जो लोग बोलते हैं, तो पीछे आपको 53, ठीक है, और फ्रंट में 46 रखना पड़ेगा, और 17-17 इंच का ये आपको टायर मिलता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर के पार्ट्स के बारे में। तो सो जो इसका लेंथ है वो आपको मिलता है 2006 mm का, विथ मिलता है 713 mm का, हाइट जो है, ठीक है, हाइट जो है वो 1100 mm का मिलता है, व्हील बेस आपका जो है वो 1255 mm का मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस जो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता है 200 mm का, सैडल जो हाइट है गाड़ी का, जो सैडल हाइट है वो 807 mm का है, जो कर्व वेट है इसका, जो वेट अगर मैं बोलूँ तो कर्व वेट इसका मिल जाता है 123 मतलब 123 kg का। गाइस मैं कुछ इंक्लूड करना भूल गया था, तो इस बाइक में भी आपको पास लाइट दे दिया गया है, तो मैं पास लाइट पर ध्यान नहीं गया, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे पास लाइट का ऑप्शन दे दिया गया है, वहाँ पे इंडिकेट हो रहा है और वहाँ पे वो जल रहा है, देख पा रहे हो। तो अब प्लैटिना का जो मैं बारे में बता रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस और क्या हैं, मतलब ABS तो मतलब प्रोवाइड कर दिया गया, और क्या चेंजेस इस बाइक में। तो गाइस यहाँ पे ये अभी दो नए मॉडल रखे हुए हैं, मॉडल मतलब नहीं कुछ अपग्रेड है, तो अपग्रेड बस यही है कि ये गाड़ी आपको आप एथेनॉल E20 के साथ अब प्रोवाइड कर दी गई है। तो गाइस जैसे कि मैं बता दिया कि जो नॉर्मल है मतलब ABS का जो नॉर्मल है और जो OBD2 है, इसमें प्राइस का भी बहुत ही डिफरेंस आ रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ इनके प्राइस आप लोग को बताने पुरुलिया में, ठीक है। अगर आप दूसरे को स्टेट से देख रहे हो तो नियर बाय डीलरशिप में जाकर आप पता कर सकते हो क्या है नहीं है। तो पुरुलिया जो शहर है हम लोग का, तो यहाँ पे दोनों बाइक का प्राइस में बहुत ही डिफरेंस आया है, तो वो डिफरेंस मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जो नॉर्मल है, ठीक है, जो BS6 हम लोग जो नया ABS आया है इसका जो बता रहा हूँ आप लोग को, इसका जो प्राइस है वो आपको मिल जाता है, एक शोरूम अगर पकड़ोगे नॉर्मल का, OBD2 नहीं नॉर्मल वाला पकड़ोगे तो 72,486, बट अगर ये ऑन रोड आता है तो 89,377 लग जाएगा इसका पूरा। बट अगर हम लोग OBD2 में आ रहे हैं तो यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हो जो दो रखी हुई है OBD2, तो ये यहाँ पे एक शोरूम मतलब जो है इसका है 73,203, और जो इसका MRP है, जो MRP बोलो ऑन रोड, वो आपको 90,800 का मिल जा रहा है, मतलब 1,500 का डिफरेंस आ जा रहा है नए वाले में। तो अगर कोई वीडियो बना कर बोलते हैं BS7 है तो नहीं गा दिए, BS6 का अपग्रेडेड है OBD2, तो यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे हो, और ये दो कलर और भी अच्छे हैं। अगर टेस्ट के ऊपर है कि आप रेड लेना चाहो तो रेड लो, या फिर ये दो कलर ले सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था नए वाले हैं OBD2 और वो जो पुराना रखा है, ज़्यादा दाम का डिफरेंस में जैसे कि मैं प्राइस बता दिया, और इंजन जो बोला कि कार्बोरेटेड है, और किक स्टार्ट में ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया, आप लोग देख भी पा रहे हो कि किक दिया हुआ है, तो किक और सेल्फ दोनों यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा खासा कुछ डिज़ाइन में वैसा भी चेंज नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो कि नॉर्मल जैसा है, सामने में एक कवर टाइप का दे दिया गया है, और बाकी इसका जो अगर मैं बोलूँ तो फाइबर ही है बॉडी इसका, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा हो गया है इन बाइक्स का, तो आप समझ जाओ कि ब्रेकिंग में आपको दिक्कत नहीं, जिससे एक्सीडेंट अब होने का चांस बहुत ही घट गया है। और यहाँ पे और एक जो बात है गाइस कि यहाँ का मैं इसका जो क्वालिटी है वो एवरेज में पकड़ सकता हूँ कि एवरेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको प्राइस दे रहा है और जो इसमें जो फीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा है एक हिसाब से अगर आप पकड़ लो, क्योंकि इतने कम प्राइस में आपको ABS कोई बाइक नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट 110 cc में आपको ये प्रोवाइड कर रही है प्लैटिना। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये आपके ऊपर है कि आप ये चाहो तो ले सकते हो। फादर या ग्रैंडफादर, या अगर आप अंकल्स में भी अगर आप ये देना चाहो, गिफ्ट करना चाहो, तो ये बहुत ही अच्छी बाइक है। और रेड तो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा शाइन कर रहा है। तो जैसे कि मैं बताया आप लोगों को, जो टेस्ट है वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है,
जो स्प्रिंग्स के जो कलर्स हैं वो सबके ही, वो तीनों के ही सेम है, बाकी कुछ नहीं है। रिम्स का भी जो मैं बोला कि डिज़ाइन पकड़ लो या कुछ भी, गोल्डन फिनिश एक दे दिया गया है। और क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही अच्छी बाइक मेरे को लगी, स्पेशली मेरे को। मैं इसका टेस्ट ड्राइव भी कर लेता बट मेरे पास कुछ इक्विपमेंट कम पड़ गए हैं जिसके लिए मैं टेस्ट ड्राइव नहीं ले पा रहा। बट मैं अगर होगा, अगर आप लोग प्यार दिखाओगे तो मैं इसका टेस्ट ड्राइव का एक अच्छा प्रॉपर वीडियो विथ माइलेज में दूंगा। बट ना हो तो आप लोग आ सकते हो आरके बजाज में, तो ये पुरुलिया में है, तो इसका जो मैं लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक के द्वारा आप लोग आ सकते हो। मैं पूरा डिटेल्स दे दूंगा, एड्रेस इसका प्रॉपर दे दूंगा। सो ही गाइस, कैसा लगा वीडियो जल्दी से कमेंट करना और बैक से सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। और भी कोई बाइक का रिव्यू देखना हो या कुछ भी करना हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना कि हाँ भाई इस चीज़ के ऊपर भी बनाओ, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए ये वीडियो बनाऊंगा। सो और भी कोई वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो जैसे कि बता रहा बताना जरूर। सो मैं टारगेट रखता हूँ 1K का, मतलब 1K सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी से कंप्लीट कर दो यार। मतलब आप लोग का जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे सपोर्ट करो कि मैं और भी अच्छा इन फ्यूचर वीडियो ला पाऊँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय। और ये वीडियो प्लैटिना भाइयों में शेयर कर देना, जितने भी आप लोग को प्लैटिना लेने वाले हो ये बाइक परचेज आप लोग कर सकते हो, मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने बोला आप लोग को पहले कि बुजुर्ग लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप लोग ले सकते हो। तो जल्दी से अगर आज अगर पुलिया में हो तो आके आप आरके बजाज में ये बाइक परचेज कर सकते हो, राइड कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव भी ये लोग देंगे। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय। I know you heard from everyone.